हम लोग बात कर रहे हैं आज महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल की। जोगेंद्रनाथ मंडल 1904 में बोरोसिल, आजकल जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां पे उनका जन्म हुआ था। जोगेंद्रनाथ मंडल वास्तव में किस प्रकार से 1947 की राजनीति भारत में चल रही थी, उस राजनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में सामने आते हैं। ये LLB करने के बाद बहुत जल्दी पब्लिक लाइफ में आ गए और अपने नगर पालिका में चुनाव लड़ा उन्होंने। फिर 1937 में पहली बार बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने, चुनाव जीते, इंडिपेंडेंट चुनाव जीते और कांग्रेस के कद्दावर नेता को वहां से उन्होंने हटाया। एक तरीके से उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत 1937 में होती है जब वो इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ते हैं और सफल होते हैं। उसके बाद बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है 41 में, 43 में वो वहां पे मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो जोगेंद्रनाथ मंडल जी के बारे में ये है कि 1942 में जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना होती है और डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश दुनिया में वंचित समाज की राजनीति, भारत में बहुजन समाज के लोगों के लिए, भारत में खासतौर पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी लोगों के लिए अपनी बात को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे थे, तो 1942-43 में ही वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मेंबर बन जाते हैं और उत्तर बंगाल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष होने के नाते बाबा साहब को भी बंगाल एक बार लेके जाते हैं। ये समय उस तरह का था जब पूरे देश के अंदर एक विश्व युद्ध के कारण सरकार कमजोर हो रही थी और ये महसूस होने लगा था कि अब अंग्रेज भारत देश छोड़ के जाने वाले हैं। 1946 तक आते आते चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई थी। इस समय तक जोगेंद्रनाथ मंडल भी खासतौर पर बंगाल की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत उनकी हो गई थी, बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया था। इस समय तक मुस्लिम लीग के साथ भी उनका एक अच्छा संबंध चल रहा था और जब संविधान सभा में जाने की बात आई, संविधान सभा में क्योंकि विधायकों को चुनाव जिता के भेजना था संविधान सभा के सदस्यों को, तो उस समय पे डॉक्टर अंबेडकर को पूरे देश में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सिर्फ वो इकलौते सदस्य थे पूरे देश के अंदर, और 5 वोट की जरूरत होती थी, 5 विधायकों की जरूरत थी बाबा साहब के एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के रणनीति दार थे उन्होंने संविधान सभा के लिए रास्ते पूरी तरीके से बंद कर दिए। बाबा साहब भी बहुत निराश हुए क्योंकि संविधान सभा ही भारत के भविष्य का निर्धारण करने वाली थी। उस समय पे महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल, उसी समय से उनको जो महाप्राण भी कहा जाता है, उस समय पे उन्होंने बाबा साहब को ढाढ़स बंधाया, बाबा साहब को बंगाल आने का न्योता दिया, वहां से किसी तरीके से उनका नॉमिनेशन कराया और नॉमिनेशन करा के फिर 7 विधायकों ने बाबा साहब के पक्ष में वोट डाला। ये अपने आप में इतिहास की शायद सबसे 1947 का अगर सबसे महत्वपूर्ण, 1946 का सबसे महत्वपूर्ण अगर वाकया आप जानना चाहें तो शायद डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बंगाल से चुनाव जीतकर 7 विधायकों के साथ चुनाव जीतकर संविधान सभा में पहुंचना था और उसके बाद भारत की और बाबा साहब जोगेंद्रनाथ मंडल सभी की दुनिया बदल गई। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अगर संविधान सभा में नहीं आते, संविधान सभा के सदस्य नहीं बनते, संविधान निर्मात्री जो सभा है, जो उसका प्रारूप निर्मात्री सभा, उसके अध्यक्ष नहीं बनते और इतना महत्वपूर्ण संविधान, इतना लोकतांत्रिक संविधान। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल का योगदान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस उस समय पर पूरी तरीके से बाबा साहब को संविधान सभा से बाहर रखना चाहती थी और वहां पे 7 विधायकों का समर्थन जुटा के बाबा साहब अपना नॉमिनेशन देके जोगेंद्रनाथ मंडल जी को आ गए थे और उसके बाद बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन 7 विधायकों के साथ वो जीतते हैं। उसी समय पे क्योंकि देश में जोगेंद्रनाथ मंडल खुद चुन के आते हैं
और संविधान सभा के लिए परिस्थितियां बहुत विकट हो जाती हैं। आप जानते हैं कि पार्टीशन होता है, पार्टीशन का पुरजोर विरोध जोगेंद्रनाथ मंडल और उनके साथियों ने अंत तक किया, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन की जो प्रक्रिया थी उसमें 11 अगस्त को जो जिन्ना का जो फेमस एक भाषण है उसमें पाकिस्तान की संविधान निर्मात्री सभा के जोगेंद्रनाथ मंडल अध्यक्ष बनते हैं। पहली मीटिंग में जैसे भारत में सच्चिदानंद करते हैं उसी तरीके से जोगेंद्रनाथ मंडल भी पाकिस्तान की संविधान सभा निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बनते हैं। ऑफ कोर्स बाद में मोहम्मद अली जिन्ना उसके अध्यक्ष बने, लेकिन पहले अध्यक्ष जोगेंद्रनाथ मंडल है। उस समय पे क्योंकि भारत अनडिवाइडेड था जिस समय पे, और 1946 में सरकार बन गई थी, 1946 में सरकार बनी थी, उस सरकार में जोगेंद्रनाथ मंडल भारत के कानून मंत्री थे, एक बड़ी शख्सियत थे। भारत के कानून मंत्री बने, लेकिन जब पार्टीशन होता है तो उसके बाद वापस, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा भारत में खासतौर पे जिनको हम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज का बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में था, वो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण था। इसलिए जोगेंद्रनाथ मंडल, क्योंकि वो लोग आराम से मुस्लिम्स के साथ एक अच्छी सामाजिक समझ बना के रह रहे थे, हजारों साल से वहां पे रह रहे थे। इनफैक्ट ये माना जाता है कि बुद्धिज्म के समय पे 14वीं-15वीं शताब्दी तक सारा का सारा बांग्लादेश बुद्धिस्ट था, इसलिए किसी तरह का कोई बहुत विभेद नहीं था शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम्स के अंदर, और सिर्फ नाम ही परिवर्तित थे, बाकी उनकी कल्चर, उनकी भाषा, रहन सहन, खाना पीना लगभग एक जैसा ही था। जोगेंद्रनाथ मंडल अपने उन, क्योंकि उस समय पे अनडिवाइडेड पाकिस्तान, अनडिवाइडेड बंगाल के अंदर लगभग 1 करोड़ शेड्यूल कास्ट लोग थे, ये बहुत बड़ी संख्या थी। उस 1 करोड़ में से ज्यादातर लोग बंगाल के अंदर थे, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसके अंदर रह गए थे। सो इस परिस्थिति में जोगेंद्रनाथ मंडल का उधर रहना ठीक था, लेकिन और जिन्ना, उन्होंने जिन्ना जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना ने उनको अपना कानून मंत्री बनाया, सिर्फ कानून मंत्री ही नहीं बनाया, कानून एवं न्याय मंत्री बनाया। जो जम्मू कश्मीर का मामला था उसको भी उन्होंने देखा, वहां भी उनको जम्मू कश्मीर का मिनिस्टर भी उनको बनाया, कॉमनवेल्थ का मिनिस्टर भी उनको बनाया और लेबर मिनिस्टर भी बनाया पाकिस्तान के। 15 अगस्त 1947 से लेकर 8 अक्टूबर 1950 तक वो 3-4 मंत्रालय वहां पे संभालते रहे। लगता था कि चीजें सुधरेंगी, लेकिन आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद पाकिस्तान की पूरी तस्वीर बदल गई। उस समय पे जोगेंद्रनाथ मंडल भी अनकंफर्टेबल हो गए, लियाकत अली वहां के प्रधानमंत्री बने, उनके साथ बहुत ज्यादा उनका बनता नहीं था। फिर 8 अक्टूबर 1950 को अपना रेजिग्नेशन देके वापस इंडिया जोगेंद्रनाथ मंडल आ जाते हैं, और यहां से 1950 से लेकर 1968 तक कई बार चुनाव लड़ते हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, 4 बार चुनाव लड़ते हैं, और बंगाल कलकत्ता की एक बहुत गुमनाम सी जगह में वो रहते हैं, कोई बहुत वो नहीं थी, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा उनको समर्थन नहीं मिल पाया, पब्लिक समर्थन उनको नहीं मिल पाया। इस तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जिसने बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचाया, बाबा साहब को संविधान सभा में पहुंचा के भारत के 1/4 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स और उससे आगे बढ़ के ओबीसी के के जीवन में जबरदस्त परिवर्तन की बुनियाद रखी, उस व्यक्ति का आखिरी 15-16 साल जो है बहुत मुफलिसी में गुजरे, बहुत गरीबी में गुजरे। हालांकि वो रिपब्लिकन पार्टी का झंडा उठाए रहे पूरी जिंदगी और अपनी तरफ से जितना प्रयास कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन बंगाल के लोगों ने उनका बहुत, खासतौर पर जो शेड्यूल कास्ट लोग थे, बहुत ज्यादा उनका साथ नहीं दे पाए, क्योंकि उस समय पे बहुत अफरा तफरी का माहौल, बंगाल से बहुत जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां से बहुत सारे लोग भारत आ रहे थे, सब शरणार्थी के रूप में थे। तो ये एक अजीबोगरीब सी परिस्थिति थी जिसमें ऐसा व्यक्ति, ऐसी कम्युनिटी जिसने बंगाल के अंदर ये इंडिपेंडेंट जीत के आए, रिजर्व सीट से नहीं जीत के आए थे, जनरल सीट के से जीत के आए थे। जो 7 MLA थे उनमें से 4 MLA जनरल सीट से जीते हुए थे, शेड्यूल कास्ट MLA जिन्होंने बाबा साहब को
संविधान सभा में भेजा। सो एक ऐसी कम्युनिटी जो शासक कम्युनिटी थी 1947 तक, 1947 के पार्टीशन के बाद वो कम्युनिटी एक तरीके से होमलेस स्टेट के साथ। जोगेंद्रनाथ मंडल भी एक तरीके से पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से राजनीतिक अछूत हो गए, वो भी अपनी उनको लोग समर्थन नहीं दे पाए क्योंकि जो कम्युनिटी थी वो ही तितर बितर हो गई, उन्हीं को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। बाद में आप जानते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया 71 में, उसके बाद मरीज झापी का केस, और पूरा देख रहे हैं अभी भी बंगाल के अंदर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन लगभग 30% के आसपास है, लेकिन जिस तरह की वहां पे के अफरा तफरी है, जिस तरह का वहां पे भाग लोगों के असमानता है, जिस तरह के वहां पे अन्याय अत्याचार है, जिस तरह का वहां पे जातिवाद है, उसकी बुनियाद 1947 के पार्टीशन में ही है। और जोगिंद्रनाथ मंडल ने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी निभाई के बाबा साहब को संविधान सभा में भिजवा दिया, जिससे कुछ अधिकार यहाँ पे लोगों को हो पाए, लोग अधिकार मिल पाए। लेकिन शरणार्थी होने के नाते, समस्याएं इतनी ज्यादा होने के नाते बंगाल में आज भी स्थिति बहुत विकट बनी हुई है। मुझे लगता है कि पूरे देश को और खासतौर पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स ओबीसी को जोगिंद्रनाथ मंडल की भूमिका का पुनरावलोकन करना चाहिए। किस प्रकार से उन्होंने अपने दम पर बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा और एक महान शख्सियत को इतिहास भुलाने का पराक्रम, इतिहास में भुलाने का एक षड्यंत्र रचा गया है, उस चीज को आगे निकालने की जरूरत है। एक बार फिर मैं जोगिंद्रनाथ मंडल साहब जो 1968 में 5 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हुई, उनके जन्मदिन 29 जनवरी की मैं सभी साथियों को अपनी तरफ से मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो स्थान जो जोगिंद्रनाथ मंडल को होना चाहिए था, जो उनका मिलना चाहिए था, वो स्थान हम उनको सुनिश्चित कर पाएंगे। जय हिंद साथियों।